टी कोस्टर और कुल्हड़ का यूज़ करके मैं अपने गार्डन में एक ऐसा एक प्यारा सा छोटा सा कुल्हड़ गार्डन बनाऊंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि आज मैं अपने गार्डन में कोई भी काम नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने गार्डन में आज कोई भी काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने गार्डन में एक छोटा सा क्राफ्ट तो बना ही सकती हूँ अपने बर्थडे के दिन। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने गार्डन में काम नहीं कर रही हूँ तो कुछ करूँ भी ना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन बनाती हूँ। तो गार्डन बनाने के लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो फिर मैं अपने टेरेस पर गई और मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करी। फिर कलेक्ट करने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास टी कोस्टर और चाय का कुल्हड़ और कुल्हड़ वाला ग्लास। तो ये मैंने परचेज़ किया था और इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्ले पॉट्स की शॉपिंग जब की थी तो वो आपसे शेयर किया था। तो यहाँ पर ये टी कोस्टर और कुल्हड़ का यूज़ करके मैं एक छोटा सा कुल्हड़ गार्डन बनाने वाली हूँ। तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगी वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फिलहाल देखिए, ये दो चीज़ें हैं और इन दो चीज़ों को रीयूज़ करके आप अपने गार्डन में बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी टोपियारीज बना सकते हैं। तो मैं भी इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने गार्डन में अच्छे से अच्छे क्रिएटिव टोपियारी बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ें ले ली और ये सब आपको बहुत ईजिली आपके घर पर मिल जाएगा। कुल्हड़ बस आप कहीं भी जाते हैं तो चाय वगैरह पीते हैं तो आप उससे कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो ये मेरा नया कुल्हड़ है तो इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करके रख ली हैं। तो यहाँ पर मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने यहाँ पर रख लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें मैंने ली हुई हैं। तो ये मैंने एक स्टिक से, ये देखिए आइसक्रीम स्टिक्स जो आती हैं, तो उससे मैंने एक छोटा सा घर बनाया है और ये स्टेयर्स बनाई है। और यहाँ पर मैंने लिया है ये वाइट स्टोन जेड प्लांट की कटिंग्स और ये ब्रिक स्टोन। और यहाँ पर ये जो कुल्हड़ देख रहे हैं और एक ये टी कोस्टर। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं बनाऊंगी छोटा सा कुल्हड़ गार्डन। तो यहाँ पर मैंने कुल्हड़ ले लिया और मैं इसमें ड्रेनेज होल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसे इंडोर रखना है और मुझे पानी नहीं देना है, तो इसलिए मैं इसमें ड्रेनेज होल नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉइल ले ली और सॉइल देखिए मेरी गार्डन सॉइल है, तो बस थोड़ी सी सॉइल लिया और अब मैं इसमें डाल दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस कुल्हड़ में मैं सॉइल डाल रही हूँ और सॉइल देखिए मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, बस इतनी ली है जितना मेरे इस प्लांटर में अच्छे से भर जाए। और बस मैं इस सॉइल से इस कुल्हड़ को अच्छे से फिल कर रही हूँ और देखिए इसको टैप टैप करके मैं अच्छे से सॉइल इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इसकी हेल्प से जेड प्लांट को लगा लेती हूँ। पहले मैं प्लांट लगाऊंगी, इसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें, ये सब जो चीज़ें हैं वो रखूँगी। तो अच्छे से पहले मैं इसको कवर कर लेती हूँ क्योंकि इसके रूट्स हैं और इसमें अगर हवा लग जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक मेरा ये प्लांट है तो ये कटिंग से मैंने इसको किसी चीज़ में लगा दिया था तो उसमें रूट्स आ गई और ये छोटी सी कटिंग है तो इसको मैंने लगा लिया, क्योंकि मेरे पास जेड प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसलिए मैं इस तरह से आपको लगा कर दिखा रही हूँ। तो अभी मैं अच्छे से इसको देखिए अपने उंगलियों की हेल्प से इसको रख रही हूँ और अभी मैं इसको इस तरह से हाउस को रख कर देख रही हूँ कि कहाँ पर मैं इसको लगाऊँ किस तरह से। तो ये सेट नहीं हो रहा था इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पहले प्लांट को अच्छे से सेट कर लेती हूँ फिर मैं लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से प्लांट को लगा लिया और अब मैं इसमें दे देती हूँ पानी। तो पानी मैंने बहुत थोड़ा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ड्रेनेज होल हमने नहीं बनाया है इसमें, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको पानी डाल दिया है और अब पानी डालने के बाद मैं इसमें हाउस रखूँगी। तो ये छोटा सा जो ये हाउस है मैंने आइसक्रीम के स्टिक से बनाया है, खुद ही बनाया है। तो भी मैं इसको लगा कर इस पर रख कर देख रही थी लेकिन ये अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको हटा दिया और अब देखिए मैं इस तरह से इसको ऐसे रख रही हूँ। तो अभी ये मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है, पहले मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से इसी में स्टेयर लगा दूँगी लेकिन मुझे ये बहुत खाली खाली लग रहा है इसलिए मैं इसमें स्टोन का यूज़ करूँगी। तो मेरे पास कलरफुल स्टोन नहीं थे तो वाइट सीमेंट का एक गमला था तो वो टूट गया था, तो उसी के पीसेस को मैंने क्रश किया और उससे मैंने वाइट स्टोन बनाया। और ये ब्रिक स्टोन जो है तो इसको मैंने ईंटों को जो है जो मैंने क्रश किया था तो उसकी भी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। तो
तो उसको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक रास्ता बनाना है, जैसे घर की तरफ घर के अंदर जाने का एक रास्ता होता है ना, तो उस तरह से मैंने बनाया। तो इसको मैंने ब्रिक्स से कवर किया है, तो देख रहे हैं आप इस तरह से मैंने ब्रिक्स से कवर किया और मैंने अगल बगल की जगहों को छोड़ दिया है, तो उसको मैं वाइट स्टोन से कवर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाइट स्टोन मैंने इस तरह से साइड साइड में डाल दिया है और इसकी हेल्प से मैं इसको दबा रही हूँ। अच्छे से मैं इसको लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है फ्रेंड्स, और लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग स्किप कर करके देखते हो, इससे हमारी वीडियो का इम्प्रेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो इसलिए हमारी चैनल की रीच भी डाउन हो जाती है और फिर वीडियो वहीं की वहीं रुक जाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग अगर आप लोगों को नहीं देखना तो आप लोग मत देखो, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर करके मत देखो, उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्टोन से इसको अच्छे से कवर कर लिया है, कवर करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है और ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया और अब ये मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिविटी और किया जाए इसमें। इसको तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, लेकिन जब मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं उनको भी यूज़ करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि टी कोस्टर मेरे पास था, तो ये भी वेस्ट है और इसको तो मैं यूज़ करूँगी क्योंकि जो मैं बनाना चाहती हूँ वो इसके बिना बन नहीं सकता, इसलिए मैंने इस टी कोस्टर का यूज़ किया है। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने सोचा कि तो इसको क्यों ना मैं यूज़ करूँ और आपसे शेयर भी करूँ, हो सकता है आप भी इससे अच्छा बना ले और बहुत अच्छा सब लोग भी बना सकते हैं। और मैं भी यूट्यूब वगैरह से ही आइडिया लेती हूँ, आप सबसे ही आइडिया लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से टी कोस्टर को लिया है और अब मैं इसको इसमें चिपकाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस कुल्हड़ को मैंने इस टी कोस्टर पर रखा है इस तरह से, और उसके बाद मैंने ये जो स्टेयर बनाई थी तो ये भी मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाई थी और ये भी मैं इसमें इस तरह से लगा रही हूँ। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को चिपकाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है क्योंकि इसको मैं इंडोर गार्डन रखूँगी, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर आप आउटडोर इसको रखना चाहते तो आप ग्लू की जगह एयर ड्राई क्ले या वॉल पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फेविकॉल था, तो हालांकि मैं इसे निकाल रही थी लेकिन मैंने इसे खुले में रख दिया तो वो ऊपर का जो पार्ट होता है वो सूख गया था, इसलिए मुझसे निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फिर दोबारा से इसको निकाला जाए, तो जब मैंने इसमें ज़्यादा से पुश किया तो ये एक साथ ही बहुत ज़्यादा निकलने लगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह से किया और मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टेयर को भी इसमें इस तरह से स्टिक कर दिया, इसमें चिपका दिया, और अभी ये चिपकने के बाद थोड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि वाइट वाइट ग्लू आपको दिख रहा है। थोड़ी देर बाद मैं इसको आपसे शेयर करूँगी, अभी मैं इसको ऐसे ही यहीं पर इसे रख देती हूँ और रखने के बाद जब ये सूख जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ बारिश का मौसम बन रहा है, इसलिए मैं इसको जल्दी से यहाँ पर रख देती हूँ और 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको ड्राई होने के बाद आपसे शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ और जब देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था, मेरा कुल्हड़ गार्डन, और ये मैंने खास अपने बर्थडे पर बनाया है। मैंने अपने बर्थडे पर एक छोटी सी क्रिएटिविटी की है और आप सबसे शेयर भी किया है फ्रेंड्स, तो बताइएगा कैसा लगा। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गार्डन में कुछ काम करने का मन भी नहीं हो रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रही है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी और बस आपसे ये छोटी सी क्रिएटिविटी शेयर कर दी हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप भी इस तरह से वेस्ट कुल्लर वेस्ट टी कोस्टर का यूज़ करके अपने गार्डन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मिनिएचर गार्डन टोपियारी वगैरह आप भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया, सब कुछ अपने गार्डन से ही उठाई हैं चीज़ें, बस मैं कुल्हड़ खरीद कर लाई थी 10 रुपीज़ का। और देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।